नमस्ते, मैं प्रकाशमणि पीएम क्विजिन में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाएंगे मिक्स ड्राई फ्रूट क्लस्टर चॉकलेट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक स्लैब डार्क चॉकलेट कंपाउंड और एक स्लैब मिल्क चॉकलेट कंपाउंड का लेंगे। इन दोनों कंपाउंड्स को हम छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इन कंपाउंड्स को हम साइड में रख देते हैं और ड्राई फ्रूट क्लस्टर के लिए हम ड्राई फ्रूट को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए हम एक पैन में थोड़े काजू, थोड़े बादाम और थोड़े अखरोट डालेंगे। इनको मध्यम मध्यम आँच पर फ्राई करेंगे। हम यहाँ पर मिक्स ड्राई फ्रूट क्लस्टर बना रहे हैं, इसलिए सारे ड्राई फ्रूट को एक साथ रोस्ट कर रहे हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर ड्राई फ्रूट का क्लस्टर भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट हल्के रोस्ट हो चुके हैं। इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इनको हम छोटे छोटे हिस्सों में कट करेंगे। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को पूरा पूरा भी यूज़ कर सकते हैं बिना कट किए हुए, बट हम यहाँ पर कट करके यूज़ करेंगे। ये देखिए ये कट हो चुके हैं। अब हम हमारे कंपाउंड्स को मेल्ट करेंगे। कंपाउंड्स को मेल्ट करने के लिए हम डबल बॉयलर का यूज़ कर रहे हैं। एक बर्तन में पानी को बॉयल कर लिया है और उसके ऊपर दूसरा बर्तन रख रहे हैं जो उसके ऊपर फिट हो जाए। हम ऊपर वाले बर्तन को पानी में डूबता हुआ भी रख सकते हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि पानी बर्तन के अंदर नहीं जाना चाहिए जिसमें हम कंपाउंड्स को मेल्ट कर रहे हैं। हम दोनों कंपाउंड्स को इस ऊपर वाले बाउल में डाल देंगे और उनको मेल्ट कर देंगे। ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, इसकी मेल्टिंग प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको हम चलाते रहेंगे ताकि ये फटाफट मेल्ट हो जाए। ये देखिए हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब इसको हम उतार लेते हैं। अब हम इस मेल्टेड चॉकलेट में हम हमारे कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इनको हम आधा आधा करके मिक्स करेंगे। ये ड्राई फ्रूट चॉकलेट में अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। हम आधे ड्राई फ्रूट्स और डाल देंगे। इनको भी चॉकलेट में अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए अब हमारे ड्राई फ्रूट चॉकलेट में अच्छे से कोट हो चुके हैं। इनकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब हम चॉकलेट के क्लस्टर बनाना शुरू करते हैं। हम एक ट्रे लेंगे, इसके ऊपर हम बिछाएंगे एक फॉइल जो ट्रे को कवर कर लें, और इसके ऊपर हम डालेंगे हमारे ड्राई फ्रूट के क्लस्टर। इसे हम चम्मच की सहायता से एक एक करके डालेंगे इस तरह से। चॉकलेट के क्लस्टर या चॉकलेट के गुच्छे, ये आप अपनी इच्छा से छोटा या बड़ा किसी भी साइज़ में डाल सकते हैं। हम इसे फॉइल के ऊपर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि फॉइल पर से चॉकलेट को निकालना बहुत आसान होता है। फ्रीज होने के बाद ये क्लस्टर बड़ी आसानी से फॉइल पर से निकल जाते हैं। हम हमारे सारे क्लस्टर को इसी तरह से फॉइल पर डाल देंगे। और अब ये देखिए हमारी ट्रे फ्रीज में जाने के लिए एकदम रेडी है। इसको 5 से 10 मिनट तक हम फ्रीज़र में फ्रीज करेंगे। 10 मिनट बाद ये देखिए हमारी चॉकलेट जम चुकी है। ये देखिए ये फॉइल पर से कितनी आसानी से निकल रही है। हमने सारे क्लस्टर को फॉइल पर से निकाल लिया है। ये देखिए अब हमारी मिक्स ड्राई फ्रूट क्लस्टर चॉकलेट एकदम रेडी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। थैंक यू।